वेलकम टू खन्ना न्यूज़ लाइव। अज सवेरे बंगा दी NRI कलोनी विच रहिंदे एक प्रवासी ने अपनी पत्नी नू मार के घर विच बने कमरे विच जला दिता। मौके ते मिली जानकारी अनुसार प्रवासी ग्रिल रोड बनाउन वाली कंपनी दे मैनेजर ने अपनी पत्नी दा कतल करन तों बाद अपने बच्चियां नू नवां शहर किसे कोल छड्ड दिता ते बाद विच अपनी पत्नी नू अग ला के जलाउन दी कोशिश कीती। इस तों बाद पुलिस वालियां नू पता लगा तां पुलिस ने जाके मौके ते ही मुलजम नू काबू कर लिया। अनिल कुमार मध्य प्रदेश का। की काम कर रहे थे? GR कंपनी मैनेजर। अच्छा, कदों तो इतने आ तो? सर कितनी देर तो इतने काम कर रहे हैं? यहाँ अभी आया था 7 फरवरी से। अच्छा, तो आप पहले वहाँ मेरठ में था, डालतना मेरठ में। क्या कह लो, आपने अपनी पत्नी को मारा, उसको जला दिया, क्या वजह? पत्नी के गलत संबंध थे मेरे दोस्त से। जब मैंने 26 जनवरी को लेकर गया था ना हरिद्वार, वहाँ से आया तो मेरे मोबाइल से उस लड़के का नंबर निकाल के और उससे जो भी चक्कर चला, एक दो बार फोन भी पकड़ा तो मेरे भाई का नाम ले दी कि देवर जी से बात करें। इससे उससे मैंने फिर दौर नहीं किया। मेरी बेटी बताई कि पापा जी उस अंकल से बात करते जो घूमने गए थे, तो मैंने फिर भी गौर नहीं किया, छोड़ दिया। फिर कई बार इसने रूम में जब मैं ड्यूटी चला जाता दिन में बुलाती थी उसको फोन करके और बच्चों को रूम से बाहर भगा देती थी सबको। छोटा बच्चा था वो सीढ़ी में रोता रहता था। फिर मेरी बेटी रूम में लेके आती, वो मकान मालिक वो सब देखे कि भाई अनजान कौन बंदा आता है, वो सोचे हो सकता मैं कंपनी को कोई बंदा भेजा हूँ, क्योंकि यहाँ आने वाला था टाटा स्काई खोलने के लिए ऐसे कुछ करके। फिर उन्होंने मेरे बताया मकान मालिक, मैंने कोई गौर नहीं किया, चलो ठीक है इससे पूछे हकीकत क्या है। फिर भी ये नहीं बताई। मैं 7-15 दिन से यही घुट घुट के जी रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन से हकीकत जाना तो इसके मुँह से सुनना चाहता, नहीं बता रही। फिर अभी 3 दिन पहले इसकी फोटो पकड़ाया माता जी की, मैं बोला अब बता क्या है हकीकत, तब बताएगी। वो लड़का आया, मैं पहले तो बोली नहीं आया था, फिर बोली भाई, मैं बोला भाई का नंबर ये आया था कोई, फिर बोली हाँ आया था, फिर बोले आया था बस चला गया वापस। फिर मैं बोला यार मकान मालिक तो बता रहा 1.5 घंटे तक गुजारा रहा रूम और बच्चे रोते रहेंगे गेट के बाहर, तब वो करते करते फिर हाँ बताई पूरा कि हाँ ऐसे ऐसे मैं की और मैं ऐसी हूँ, मैं उसी के साथ। क्या नाम था आपकी पत्नी का? है क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? अनुपा। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 27 साल। कब का रिलेशन चल रहा था, कब आप आपका दोस्त आए? अभी तो 26 जनवरी से डाकना में हो, इससे पहले भी एक 8-8 घंटे 6-6 घंटे बातें करती थी मोबाइल में। इसके पहले भी एक दो बार हुआ था तो घर वालों ने समझा के इसको माफीनामा करा दिया, 2-3 बार हो चुका था ये तो। मैं सहते सहते मेरा सहना ही बता, उसका मैं नफरत इतनी हो गई मेरे को कि जिस लक्ष्मी जैसे बीवी को माना हूँ आज उसके लिए कमाता हूँ वही मेरे साथ धोखा कर रहा है। आपको पछतावा हो रहा है? नहीं पछतावा नहीं हो रहा, पछतावा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को पालना चाहता हूँ, बस पछतावा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जिंदगी। ये सानू राती इतलाह आई सी कि जिहड़ा अनिल कुमार विश्वकर्मा है ना, ये इत्थे हाईवे अथॉरिटी जिहड़ा रोड ते काम चल रहा उत्थे असिस्टेंट मैनेजर बतौर काम करदा सी। उन्हां दे जाने कि स्टाफ वल्लों सानू इक इतलाह आई सी रात नूं कि इन्हें सानू शक है इन्हें अपनी वाइफ नाल कोई जाने कि इन्हू की कर दी है। उस मौके पर असीं जब मौके पर पुजे तो इन्होंने अपनी वाइफ की जाने कि कतल करके उन्हें सड़ दिता सी, तो उस बाद मौके पर ही असी मुकदमा दर्ज करके 302 का तो इन्हों गिरफ्तार कर लेता। अज मार्च किया जाऊंगा, उस बाद रिमांड लिता जाऊंगा। परिवार तीन बच्चे छोटे है काफी घरे फिर इन्होंने उधर जाने की उधर जो मिस अपने प्लांट उस टाइम रेस्ट हाउस उन्होंने नाम है अनुपमा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 27-28 ਸਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੰਗੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ NRI ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।